दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के लिए जो अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई है। इस वीडियो में आप बने रहिए। तो इससे पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं हम आपको कि ये जो है कार्यपालक जो अभियंता, इसमें पेयजल एवं स्वास्थ्य परमंडल सिमडेगा की तरफ से जो आई है, ये संविदा पर नियुक्ति संबंधित सूचना है। ठीक है, इसमें से जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति सिमडेगा, पेयजल एवं स्वास्थ्य परमंडल सिमडेगा अंतर्गत पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यवक्त की जा रही है कि केंद्र संपोषित स्वास्थ्य भारत मिशन ग्रामीण एवं नई योजना जल जीवन मिशन JJM हेतु जारी निर्देश दिशा निर्देश के आलोक में जो है निरूपदित योजना के कार्यों के लिए जिला स्तर पर सृजित पदों की विद्युत जो है संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन की विवरणीय निम्न है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ के लिए है, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है जो कि ये भारत सरकार द्वारा निकाली गई है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पोस्ट होने वाली है, ये MIS कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, जिसमें से एक पद है टोटल। ठीक है, इसमें आपको कौन सी डिग्री की ज़रूरत है, अनिवार्य योग्यता की बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से एम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जो इन इकोनॉमिक्स जो MBA HR या MSc ज्योग्राफी जो केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या आपका डिग्री और डिप्लोमा इन रूरल डिपार्टमेंट से अगर आप किए हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी अगर डिग्री हैं आपके पास कोई भी, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कार्य अनुभव की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे इसमें जो 3 वर्ष की कार्य अनुभव की आपकी मांग की जा रही है, जिसमें से आप अगर भारत सरकार की कोई ये डिपार्टमेंट में जो यहाँ डिपार्टमेंट की नाम दी हुई है, इस डिपार्टमेंट से आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतन माह की बात करें तो आप यहाँ जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रति माह आपको 35,000 दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पद है जो कि आपको बताते हैं आपको कि जो ये IEC के पोस्ट पर है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है, इसमें से सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA या HR या MCA ज्योग्राफी, यानी कि ये अगर डिग्री आपके पास कोई भी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी बात करते हैं कि इसके अनुभव की, तो आप यहाँ पे जैसे कि इसकी अनुभव सेम है, जो कि 3 वर्ष की आपको अनुभव की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पर वेतन माह की बात करें तो 35,000 प्रति माह आपको दी जाएगी वेतन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आपको और कौन सा है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट की बात करें, ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के का डिपार्टमेंट है। इसमें हम बताते हैं आपको कि ये जो डिस्ट्रिक्ट SBM जो कि कम SLWM कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, बात करें कि ये एक पोस्ट पे ही वैकेंसी आई हुई है। इसकी बात करते हैं कि कौन सी आपको डिग्री की ज़रूरत है इसमें, तो इसमें बात करते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में किए हैं या डिप्लोमा इन रूरल डिपार्टमेंट से अगर किए हैं, मिनिमम 50% आपकी परसेंटेज होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बात करते हैं इसकी अनुभव की, तो 3 वर्ष की आपकी कार्य अनुभव होनी चाहिए। वेतन माह की बात करें तो 40,000 रुपया प्रति माह आपको यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट अब बताते हैं हम आपको कि इसकी जो शर्तें हैं उसके बारे में बताते हैं कि अन्य शर्तें क्या क्या है। इसमें है स्वास्थ्य भारत मिशन ग्रामीण एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्थान जो है संरचना जो है DWSC के कार्य हेतु पत्रांक जो दिया हुआ है ये दिनांक इतना के आधार पर होगी। ठीक है, दूसरा है उम्र सीमा की बात करें तो इसमें आपको 1/11/2021 से आपके उम्र सीमा काउंट किया जाएगा, जो कि न्यूनतम 21 साल आपकी होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 45 ईयर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें और दी हुई कि भारतीय का आप अगर नागरिक हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि आवेदन प्रक्रिया की तिथि क्या होगी और कैसे आवेदन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। तो यहाँ आवेदन की तिथि की बात करें तो ये 6/12/2021 यानी कि 6 दिसंबर तक आप इच्छुक अभ्यर्थी उम्मीदवार सभी वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की स्व अभि प्रमाणित छाया प्रति के साथ वहित पत्र के जो है भर के ईमेल आईडी जो ये दिया हुआ है पर जो है केवल पीडीएफ फाइल में तथा निबंधित डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप 6/12/2021 तक आप भेज सकते हैं। यानी कि आप पीडीएफ बना करके ईमेल आईडी जो ये दी हुई है इस ईमेल आईडी में भी आप भेज सकते हैं और आपको तथा ईमेल आईडी में तो भेजना ही है, उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 6/12 तक आपको अपने आवेदन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि कार्यपालन अभियंता पेयजल एवं स्वास्थ्य परमंडल सिमडेगा के कार्य संविदा के में भेजा जा सकता है, ठीक है। ये एड्रेस है जहाँ आपको भेजना है, ये है कार्यपालक अभियंता जो कि है पेयजल एवं स्वास्थ्य परमंडल सिमडेगा, ये इस एड्रेस पे आपको भेजना है। नेक्स्ट है कि आपको बताते हैं इसमें और क्या है, ये जो है मेघा सूची का जो तैयार किया जाएगा वो 10/12/2021 को प्रारंभिक मेघा सूची का इस वेबसाइट पे आपको दे दिया जाएगा, इसे हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद दे दिया जाएगा जैसे प्रारंभिक मेघा सूची की आधार पे अभ्यर्थी द्वारा जो है 13/12/2021 तक आपत्ति आमंत्रित कर सकते हैं, आपको 10 तारीख को दे दिया जाएगा, 12-13 तक आपको वहाँ पे अगर किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो आप वहाँ सुधार करा सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं हम आपको और लिखित परीक्षा होगी जिसमें ये सभी श्रेणी के पदों की रिक्त की न्यूनतम 5 गुनी जो है संख्या में प्रारंभिक सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जिसमें वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए आप कि अगर मेघा सूची का 5 गुना, अगर मेघा सूची में आपको जितनी सीट है उसकी 5 गुना आपको स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा फाइनल, जिसमें नियुक्ति होगी और आपकी ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट जो है एक अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए अनुसार आवेदन कर सकते हैं, अगर आप एक से अधिक पद करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं एक से अधिक पद पे, अगर 2 पोस्ट में करना चाहते हैं तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग आवेदन देके। आवेदन पत्र का प्रारंभिक जो विस्तृत विवरणीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है, अगर आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब दिखाते हैं हम आपको फॉर्म, इसकी जो फॉर्म है इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट कराना है और इस फॉर्म में आपको सारी चीज़ भरनी है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण का, जल जीवन मिशन जो कि JJM सिमडेगा आवेदन पत्र, इसमें है आवेदित का पद का नाम, यहाँ पद का नाम लिखना है, जिला का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो होगी आपकी, पासवर्ड साइज, पिता का नाम, वर्तमान पता लिखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है कि अस्थाई पता लिखना है यहाँ पे, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, पुरुष महिला जो भी हैं आप यहाँ अप्लाई भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन की विवरणीय या अंतिम शैक्षणिक योग्यता भी लिख सकते हैं, कार्य अनुभव भी यहाँ पे आपको अगर है कार्य अनुभव तो आपको देनी है, ये कार्य अनुभव भरना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाषा, जो आपकी भाषा है वो चीज़ आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। उसके बाद अन्य जानकारी अगर देना चाह रहे हैं तो अन्य जानकारी भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं, और उसके बाद फिर ये सारा चीज़ यहाँ पे जैसे आपका ये घोषणा पत्र आपको टिक करना है कि ये सारा चीज़ जो मैंने आपका डॉक्यूमेंट दिया है वो सारे सही हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ स्थान जहाँ से हो आप वो लिखना है, डेट और यहाँ पेन अपना साइन करना है, ठीक है। ये था कि सिमडेगा से जो आपका रिलेटेड आई हुई थी वैकेंसी, मैंने आपको सारे चीज़ डिटेल से बता दी। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगी, कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में बता चुका आपको। तो आज के लिए जो वीडियो होने वाली थी इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, वहाँ से भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।